शामिल हुए। अखिलेश ने सभी का स्वागत किया और ऐलान किया कि कल यानी कि 7 दिसंबर से सपा किसान यात्रा निकालेगी और अखिलेश खुद कन्नौज में मौजूद रहेंगे। और क्या कुछ कहा देखिए। अधिकारी लगे रहे, पुलिस लगी रही, और जब मन किया तो बैलेट पेपर भी खराब कर दिए, और लूट हुई बूथ पे वो अलग, जो बूथ पर जिस तरह का सरकारी इंतजाम था, केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट डालिए, अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी अभी और सीटें जीत जाती। बैलेट का कमाल देखिए, ईवीएम को हरा दिया बनारस में, सरकार के पास खजाना भरा पड़ा है, नोटबंदी के बाद तो इतना पैसा आया बैंकों में, बैंकें ही नहीं रख पाई, इसीलिए बैंक मर्ज करनी पड़ी, बैंकें बड़ी बनानी पड़ी। नोटबंदी के बाद सरकार के पास इतना पैसा आया है कि उन्हें बैंकें बड़ी करनी पड़ी, जो छोटी बैंक हैं वो बड़ी बैंक बन गई, छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मिला दिया तो बैंकें बड़ी हो गई। तो अब तो सरकार के पास क्या कमी है। समाजवादी पार्टी ने तय ये किया है कि हर जिले में किसान यात्रा चलती रहेगी, लगातार सरकार के गलत कानून के खिलाफ ये यात्राएं चलती रहेंगी, और जो किसान हमारे बैठे हैं दिल्ली को घेर करके, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश में लगातार किसान यात्राएं चलेंगी। कल मैं खुद कन्नौज में जो सबसे बड़ी मंडी बनी थी, उस मंडी से शुरू कर करके किसान बाजार जो बना था वहां तक यात्रा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश